इंडिया में 135 करोड़ की आबादी है और इस भीड़ में कुछ लोग सोचते हैं और कुछ अपनी सोच को साबित भी कर लेते हैं। आज अपने इस खास कार्यक्रम में आपकी मुलाकात हम एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जिन्होंने पूरी इंडिया की राइड को सेफ बनाया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर राजीव कपूर, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टील बस हेलमेट। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर पर। थैंक यू। आज तक मैंने आपके जितने भी इंटरव्यू देखे हैं, लोगों ने आपके प्रोफेशन के बारे में ज्यादा जानना चाहा है, लेकिन मैं आज आपसे थोड़ी पर्सनली चीजें जानना चाहूंगी। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी कि आपकी स्कूलिंग कहां से हुई, आप हमारे दर्शकों को बताइए। ऐसे सही बात तो यह है कि मैंने बहुत स्कूल चेंज करे। ओके। सबसे पहले मैं गया होली अंजल में, होली अंजल के बाद गया मैं बाल भारती शिशु मंदिर में, उसके बाद मैं गया मीरा मॉडल स्कूल में। तो मीरा मॉडल में 6 तक तो आई वॉज ऑसम, फैंटास्टिक, हमेशा फर्स्ट एंड फर्स्ट एंड फर्स्ट। फिर पता नहीं क्या ख्याल आया, हमारे घर के पास बड़ा अच्छा स्कूल बना सन फ्रांसिस, तो मैंने वहां एडमिशन ले ली। बट डेट वॉज अ क्रिश्चियन स्कूल, तो बात इतनी जमी नहीं। फिर मैं वहां से 7th में छोड़ दिया, मैं हैप्पी मॉडल स्कूल में गया एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। सारे मेरे दोस्त यार वहां थे, तो बस उसके बाद कुछ जर्नी कहीं और ही निकल गई। तो आपने इतने सारे स्कूल चेंज किए, इसके पीछे क्या कारण था? उसके पीछे एक तो चलो 6th तक तो हम बहुत ब्रिलियंट थे, पर कुछ कई बार ऐसा होता है ना, जो बच्चे बहुत सीधे होते हैं बाद में बहुत गड़बड़ भी हो जाती है, ऐसा होता है। तो लॉट ऑफ स्कूल्स हैज बीन चेंज्ड। तो सही बात यह है कि मैं 11th में फिर अमेरिका चला गया एंड वहां पर 2 महीने लगा के आया। तो जब स्कूल वापस आया तो स्कूल वाले का, भाई अब आप स्कूल में नहीं रह सकते, अब बगैर बताए 2 महीने चले गए। तो फिर आपने स्कूलिंग फिर से स्टार्ट की या फिर आपने तब? नहीं, फिर मैंने एक स्कूल में एडमिशन ली और ले ली एडमिशन बाय ऑल मींस हुक एंड क्रुक, सेंट्रल एकेडमी में एडमिशन ली। और वो स्कूल की क्लास चटक्यास में लगती थी, नुरबुलास में लगती थी। मैं कह यार मैं स्कूल में जा रहा हूँ, कोई क्लास में है ही नहीं, तो वहां बहुत बिगड़े बच्चे होते थे। एनीवे आई हैव डन माय 12th, आई गॉट अ वेरी गुड नंबर्स, इज नॉट दैट, मेरे बड़े अच्छे नंबर आए 12th में, क्योंकि डैडी ने पूछा आप एडमिशन अपने आप ले लियो, मैं कुछ कराने वाला नहीं हूं। मैं ठीक है। तो आपने कॉलेज कहां कंप्लीट किया, अपना किया भी या आपने सोचा कि नहीं नहीं छोड़ो कॉलेज करने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं ऐसा नहीं, सही बात है कि ठीक है मैंने कॉलेज पूरा नहीं किया। मैं 7th-8th में था तो मैं डैडी के साथ फैक्ट्री जाता था छुट्टियों में। Okay. मुझे काम करने का बड़ा शौक था, आई लव, डैडी तारीफ कर देते थे, हम खुश हो जाते थे। तो जब मैं कॉलेज स्कूल खत्म हुए तो मैं फैक्ट्री चला गया। Okay. पहले दिन ही, और मैं स्पोर्ट्समैन था, बहुत अच्छा था, मैं बैडमिंटन का चैंपियन था, टेबल टेनिस का चैंपियन था, 2 किलोमीटर स्विमिंग रोज करता था। और मैंने कहा यार मैंने एमबीए नहीं करनी, जबकि कई लोगों को मेरे से उम्मीद थी कि यार इसको एमबीए करानी है, इंजीनियरिंग करानी, पर मैंने कहा मैंने एमबीए और इंजीनियरिंग नहीं करनी, क्योंकि तब एमबीए में 4 साल लगते थे। तो मैं कहा 3 साल बीकॉम करूंगा, 4 साल एमबीए करूंगा, अगर मैं फैक्ट्री में तो पता नहीं 7 साल में क्या क्या कर दूंगा। तो मैंने खुद ही डिसीजन लिया कि मैं फैक्ट्री जाऊंगा, मैं एमबीए नहीं करूंगा। तो फिर आपने एमबीए का प्लान ड्रॉप किया? मैंने एमबीए का प्लान ड्रॉप किया, इवनिंग कॉलेज एडमिशन लिया, फैक्ट्री जाना शुरू कर दिया एंड रियली वी रॉक्ड। सीरियसली आज हम वो चीज देख भी सकते हैं। यस सर, मैं थोड़ा और पर्सनली जानना चाहूंगी आपकी फैमिली के बारे में, आप कुछ बताइए कि फैमिली में कितने लोग हैं, क्योंकि आपको एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टीलबर्ड सब जानते हैं, बट पर्सनली कौन है मिस्टर राजीव कपूर वो कोई नहीं जानता है, मुझे थोड़ा सा वो जानना है। फैमिली में डैडी है, मम्मी है, मेरी वाइफ एंड माई सन 24 ईयर्स ओल्ड ऑफ सन। बट सर आपको देख के नहीं लगता है कि 24 ईयर्स का आपका जो बेटा है वो होगा? हाँ, बिकॉज आई गॉट मैरी वेरी अर्ली, मेरी 20.75 में शादी हो गई थी, बाल विवाह टाइप आई थिंक आपकी मैरिज हुई थी। नहीं, नॉट अ बाल विवाह, मैं तो खैर आई वॉज उस टाइम में आई थिंक जल्दी हो जाया करती थी शादियां 20-21, लेकिन फिर भी जब मैं छोटा था तो मैं आपको बताया मैं बहुत जल्दी काम पे चला गया, और मैं उस जमाने में 20 साल में 21 फैक्ट्रियां संभालता था एंड इन फैक्ट आई वॉज फॉलन इन लव, प्यार हो गया मुझे। और सही पूछो तो मैं कहीं किसी और चक्कर में था। तो आपकी लव मैरिज थी या ये अरेंज मैरिज? अरेंज कम लव थी, मैं किसी और चक्कर में था बेसिकली, बट मेरी चाची को और मेरी सिस्टर को वो लड़की पसंद नहीं थी। ओके। तो उन्होंने कहा भैया आप ख्याल छोड़ दो, हमने आपके लिए लड़की देख रखी है। तो मैं कहा भाई कौन सी लड़की देख रही है मुझे बताओ। हाँ। कह रहे नहीं नहीं आप पहले छोड़ दो उस लड़की को, दूसरे को, फिर आपको बताएंगे। मैं कहा भाई अगर कॉफी पिलाओगे दिखाओगे तो चाय छोड़ देते हैं, पर कॉफी तो दिखाओ। देन दे टॉक टूगेदर, मैं समझ गया मेरी चाची की सिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं कहा भाई मैंने आज तक उसको देखा तो है नहीं, आप उसको जम्मू से बुलाओ,
लेट मी सी हर, फिर मैं हाँ करता हूँ। तो बस उसको बुलाया, फिर बातचीत हुई एंड वी गॉट मैरिड वेरी अर्ली, बहुत जल्दी शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए। तो शादी आपकी बहुत जल्दी हो गई थी, लेकिन आपको देखकर बिल्कुल नहीं लगता है कि आपकी जो बेटा है, आपने बताया 25 साल का आपका बेटा है, 24 साल का वो आपका बेटा इतना बड़ा होगा भी, देख के नहीं हम कह सकते हैं। खैर, मैंने सर आपके कुछ वीडियोस देखे हैं, जैसे मैं इंटरव्यू के लिए आ रही थी तो मैं आपके पुराने इंटरव्यूज देख रही थी, तो जैसे ही मैंने मिस्टर राजीव कपूर स्टील पर डाला तो कुछ सिंगिंग के वीडियोज आपके गूगल पे आ गए। तो अभी आपने बताया कि आप स्पोर्ट्समैन भी थे, स्विमिंग भी करते थे, बैडमिंटन में भी चैंपियन रहे हैं, सिंगिंग भी आप करते हैं, एक कंपनी भी आप संभालते हैं, और कितने काम आप करते हैं। ऐसा कि मैं आपको सच बताऊं, मुझे ना हर चीज का बहुत पैशन होता था। मैं सबको यही कहता था कि मैं ऑडियंस नहीं बनना चाहता, कि ऑडियंस में ताली मार के बैठ रहे हो, तो आई डोंट वांट टू बिकम अ ऑडियंस। तो मैं जब छोटा था तो अनूप जलोटा के भजन आते थे बहुत, तो मैं भजन गाता था, बहुत भजन गाता था, मैं था पंकज उदास की गजलें गाता था। तो ये पैशन था आपका? ये मेरा शुरू से पैशन था। आई वॉज अ स्कूबा डाइवर, मैं इंटरनेशनल स्कूबा डाइवर हूँ, आई गो इन टू अ डीप सी विद माई फैमिली, आई एम अ स्काई डाइवर, मैं स्काई डाइवर में जहाज से कूदता हूँ, बंजी जंपिंग्स मैं करता हूँ, आई एम अ कार रैलिस्ट, मैंने बहुत कार रैलीज करी, बहुत कार रैलीज जीती। इट्स वेरी स्ट्रेंज कि आपके इतने सारे पैशन हैं एंड आपने जो मूव किया वो स्टीवर्ड हेलमेट कंपनी की तरफ किया, तो इसका ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया? सर पूछो तो मैं एक स्पोर्ट्समैन बनना चाहता था, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं बनना चाहता था, बट आई डोंट नो, उस टाइम वो इतना ट्रेंड नहीं होता, डैडी ने तो कभी रोका ही नहीं, जो कहता जो तेरा दिल है वो तू कर, पर मुझे नहीं पता कि भगवान मुझे इंडस्ट्री में ही ले गया खुद ही। मैं सिंगर भी बन सकता था, मैं कार रैलियस भी बन सकता था, मैं सिंगर तो अभी भी हूं, मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, मेरी 10-12 वीडियोस हैं और मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज हैं उस पर। तो हमारा अपना टीवी चैनल भी है स्टील बर्ड म्यूजिक, हमारा अपना यूट्यूब चैनल है डिवोटीज इन सैनोज स्टील बर्ड एंटरटेनमेंट, बट पता नहीं भगवान मेरे को इंडस्ट्रीज की तरफ ले गया, शायद लाखों लोगों की जाने बचानी थी, शायद इसलिए ले गया, ये मुझे नहीं पता, पर डैडी ने कभी आज तक मुझे नहीं रोका। मेरे पास तब जिप्सी होती थी, मैं रेड डे हिमालय में भी जा रहा था रैली में, बट फिर एंगेजमेंट होगी तो सबने मना कर दिया, नहीं नहीं अब तू मत जा, इन लॉज ने भी मना कर दिया, घर वालों ने मना कर दिया, ठीक है फिर मैं नहीं गया, बट ऑटोमेटिकली मैं इंडस्ट्री में घुसता गया। और उस जमाने में जैसे मैं बताया, मैं बड़ा छोटा था तो मैं 21 फैक्ट्रियां संभालता होता था, 400 तरह के फिल्टर्स बनते थे, 400 तरह के रबड़ पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स, हेलमेट्स, रबड़ मैट्स, सब कुछ संभालता था। अभी तो डेस्टिनी कहते हैं कभी कभी ना, कि आपकी मंजिल लिखी होती है। आपको बाइक राइडिंग का भी शौक रहा है कभी? हाँ, मैं बाइक राइड था, मेरे पास यामा RX 100 होती थी, और जब शुरुआत होती थी तो एक टायर पे चला के होती थी, जब ब्रेक्स लगती थी तो स्केटिंग मतलब तो स्केटिंग लग के होती, तो आदत होती थी, जो भी नई बाइक ली जब तक वो मैक्सिमम स्पीड पे नहीं पहुंचाते थे छोड़ते नहीं थे, सो डेट वॉज अ ट्रेंड, वो मतलब शुरू से ही आदत थी, शुरू से ही आपको बताया बहुत रेसिंग करी हमने बहुत। तो हम हेलमेट्स को बाइक राइडिंग से कनेक्ट कर सकते हैं हम एटलीस्ट, कि हाँ बाइक राइडर भी आप थे तो इसलिए आपके दिमाग में ये स्टील बर्ड कंपनी का ख्याल आया। यस यस एब्सोल्युटली। तो हेलमेट्स तो हम 1976 से बनाते हैं, पर हम बहुत हजारों आइटम बनाते थे, तो हेलमेट पे हमारा इतना कभी फोकस नहीं था फ्रेंकली स्पीकिंग पहले, क्योंकि इतनी हजारों जब आइटम बनाते तो हेलमेट भी आपके लिए एक आइटम होती है। तो फिर जब मैं स्कूलिंग खत्म करी और जब मैंने हेलमेट संभालना शुरू करा तो हेलमेट एक जगह मैंडेटरी हो गया, हम सिर्फ 50 हेलमेट रोज बनाते थे, पर जब हेलमेट मैंडेटरी हो तो 300 गज में हमारी फैक्ट्री होती थी सिर्फ एक फ्लोर की, वहां पर आप हेलमेट बनाए थे, और उस महीने हमने 11,000 हेलमेट बनाया था, मतलब उस टाइम पे बहुत मायने रखता था 11,000 हेलमेट बनाना, फिर हमने एक फैक्ट्री और लगाई वहां भी 11,000 हेलमेट बनाया, तो एक महीने में 22,000 हेलमेट बनाना उस जमाने में बहुत मायने रखता था। आज की अगर हम देखें तो आज प्रतिदिन कितने हेलमेट सर कंपनी में बनाए जाते हैं, अगर आप ही के प्लांट की बात करें, आई थिंक आपके 6 से 7 प्लांट हैं। हाँ जी, जैसा मैंने सुना है, तो कितने एक दिन में हेलमेट तैयार होते हैं? अगर आप आज की बात करोगे तो जो हमने पिछले साल की जो हमारी एवरेज आई है वो 12,000 करीब आई है, 12,000 हेलमेट रोज के आई है। Okay. प्लस हम साइड बॉक्सेस बनाते हैं, हम क्रैश गार्ड्स बनाते हैं, हम गारमेंट्स बनाते हैं, बहुत इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और आने वाले टाइम में हमारे हेल्थ प्लांट्स की जो कैपेसिटी हो जाएगी वो 43,000 हेलमेट्स अ डे, 43,000 हेलमेट रोज बनाने की हो जाएगी, और ये 2021 में हो जाएगी। ठीक है सर, बाकी मैंने एक चीज और सुनी है कि आपके जो हेलमेट्स है, स्टीलबर्ड 10 ब्रांड के हेलमेट बनाता है,
तो इन 10 ब्रांड के बारे में मैं खुद भी पर्सनली नहीं जानती, थोड़ा डिटेल में इसलिए जानना चाहूंगी कि कौन सा हेलमेट किन लोगों के लिए है। ओके देखो स्टील बट को सभी जानते हैं ना, बिल्कुल सब जानते हैं। स्टील बट इज फॉर मासेस, वो हर इंसान के लिए। तो हमने जितने भी ब्रांड बनाए बहुत सोच के बनाए, क्योंकि ये नेसेसिटी है, जरूरत है इंसान की। तो हमने बनाया स्टील बट एयर, उस हेलमेट्स में सारी एयर टेक्नोलॉजी है। यहां इतनी गर्मी है, इंसान जब हेलमेट पहनता है तो उसको गर्मी लगती है, तो हमने हेलमेट डेवलप किया जिसमें एयर चैनल्स है, तो उसमें से रियल में हवा अंदर जाएगी, सर्कुलेट होगी, पीछे से निकलेगी, तो दैट इज अ स्टील बट एयर। बहुत से लोग होते हैं जिनको होता है कि हमारे बाल झड़ जाएंगे, हमें हाइजेनिक चाहिए, एंटी एडोर चाहिए, एंटी एलर्जिक चाहिए, तो हमने एक ब्रांड बनाया स्टील बट हाइजेन, तो दैट इज अ हाइजेनिक। तो जितने भी उसके अंदर आपको हेलमेट्स मिलेंगे वो हाइजेनिक इंटीरियर्स वाले मिलेंगे। तो एयर का तो बहुत ही अच्छा सक्सेस हुआ। तो फिर हमें एक टेक्नोलॉजी मिली, नाका टेक्नोलॉजी। नाका टेक्नोलॉजी, अगर आप एयरक्राफ्ट देखेंगे, फरारी कार्स देखेंगे, उसमें जो डक्ट प्रोवाइड होती है इंजन को ठंडा करने के लिए, वो नाका टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो हमने वही टेक्नोलॉजी लेके स्टील बट एरोनॉटिक्स बनाया। स्टील बट एरोनॉटिक्स, तो चाहे वेरी हाई फ्लो, उसमें जो एयर का फ्लो है बहुत ही हाई है। देन वी हैव ब्रांड एरिस, वो प्रोफेशनल सीरीज के लिए है। वी हैव ब्रांड इग्नाइट, इग्नाइट जो है वो क्रूजर बाइकर्स का ब्रांड है। तो आप अगर लेह लद्दाख जा रहे हैं तो आप गर्म इंटीरियर लगा सकते हैं उसके अंदर। आप अगर राजस्थान जा रहे हैं गर्मी में, वही बुलेट लेके या राइड लेके, तो आप उसके अंदर ठंडा इंटीरियर लगा सकते हैं। गर्मी में आप उसके अंदर जो ग्लास है वो नाइट विजन लगा सकते हैं। तो बहुत वैरायटी है। ऐसे एरीज है, दैट इज फॉर प्रोफेशनल सीरीज, फॉर डिजाइनर। फिर हमने इटली में एक कंपनी टेक ओवर करी, दैट इज अ प्रोजेक्ट फॉर सेफ्टी, 25 साल पुराना ब्रांड, अभी हमने उसके प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं। देन वी हैव स्पेनिश ब्रांड कूका, देन वी हैव ब्रांड ब्लावर, ब्लावर के साथ अभी हमने टाई अप किया, वो 1983 का ब्रांड है फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, उसका साथ हमने टाई अप किया, उसके हेलमेट्स भी 2 महीने के अंदर इंडिया के अंदर आ जाएंगे। सो लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं, और हर एक ब्रांड की एक यूएसपी है, कोई ना कोई उसमें खासियत है, डिजाइन भी अलग है और उसमें कोई ना कोई खासियत है। तो हम जितने भी प्रोडक्ट बनाते हैं कुछ ना कुछ सोच के बनाते हैं कि इंसान की जरूरत क्या है। अभी हमने हेलमेट बनाया स्टील बट HF, दैट इज हैंड्स फ्री। तो आप देखते होंगे कि लोग स्कूटर पे जा रहे हैं, कोई यहां कान लगा के बात कर रहा है, कोई हाथ में ऐसे बात कर रहा है, कोई गर्दन टेढ़ी करके बात कर रहा है, कोई मोबाइल अंदर डाल के बात कर रहा है, एक हाथ छोड़ा हुआ है, तो उनके एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो वो एक जरूरत है, हमने एक हैंड फ्री हेलमेट बनाया। आप मोबाइल पॉकेट में रखिए, सिर्फ तार से उसको कनेक्ट करिए, कोई बैटरी नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं भी उस हेलमेट को यूज करती हूँ एक्चुअली। अच्छा जी, वेरी गुड। तो आप उससे बात कर सकते हो। उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जो आपको आसपास की साउंड है वो आपको सुनाई देगी, और उसके जो माइक्रोफोन लगे हैं उसके अंदर आप सिंगल एक्सटर्नल माइक्रोफोन लगे हैं, आपको जो आप बोलेंगे वही सामने वाले को सुनाई देगा। तो बहुत हिट हुआ है वो हेलमेट, क्योंकि वो जरूरत थी। क्योंकि लोग क्या करते हैं नॉर्मली, जब बाइक चला रहे तो ईयरफोन डाल लेते हैं, वो आसपास की जो वॉइस होती है। ईयरफोन सबसे ज्यादा रिस्की होते हैं, क्योंकि वो आपके कानों को ब्लॉक कर देते हैं, आपको आसपास की कोई साउंड सुनाई नहीं देती है। आपने सुना होगा बड़ी बार लोग सैर कर रहे हैं, ईयरफोन डाल के पीछे से बस ने टक्कर मार दी, रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहे तो ट्रेन ने उड़ा दिया, क्योंकि वो ईयरफोन उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, वो अपनी मस्ती में। पर ये जो हमारा HF मॉडल है, इसके अंदर आपको सारी सराउंडिंग वॉइस सुनाई देगी, और आप अपना काम भी कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। एब्सोल्युटली। फिर आप GPS उसके अंदर आप सुन सकते हैं, ट्रैकर लगा सकते हैं, तो आपको रास्ता बार बार रोक के देखना नहीं पड़ेगा, पूछना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सर, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि स्टील बट हेलमेट की जो क्वालिटी है, हम सभी जानते हैं कि बहुत अच्छी क्वालिटी है, लेकिन हम आपसे सुनना चाहते हैं कि क्वालिटी में स्टील बट बाकी कंपनियों से कितना बेहतर है। ओके, तो हेलमेट में ना चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो उसका शेल, बाहर का शेल। तो हमारी जो बाहर का शेल है वो ABS का होता है, और वो बहुत ही हाई इंपैक्ट ABS लगा हुआ है, उसके अंदर रबर है साथ में, EPDM रबर। आप उसमें जितने मर्जी हथौड़े मार लें कुछ नहीं होगा, अच्छा। वो उतना इंपैक्ट एब्जॉर्ब करेगा। ऐसा नहीं होता कि हेलमेट भारी है तो वो अच्छा है, लाइट वेट, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप देखो पुराने जमाने में फीएट एम्बेसडर लोहे की गाड़ियां होती थी, तो वो क्या सेफ? आज देखो अब गाड़ियां कितनी हल्की होती जा रही है, पर वो उतनी सेफ है। तो हेलमेट जितना लाइट होता है, ऐसा तो नहीं है, लाइट हेलमेट्स आर ऑल्सो वेरी सेफ। तो हमारा मकसद होता है
कि लोगों को लाइट वेट हेलमेट दे, बेस्ट क्वालिटी दे। तो हम स्पेशल मटेरियल यूज करते हैं, जैसे आपको मैंने शेल में बताया, ऐसे जो हमारा वाइजर है वो पॉलीकार्बोनेट है, वो अनब्रेकेबल मटेरियल है, आप जो मर्जी कर लें वो टूटेगा नहीं। अब लोग जो पॉलीकार्बोनेट यूज करते हैं या एक्रेलिक के वाइजर यूज करते हैं, वो इंजेक्शन ग्रेड यूज करते हैं, पर हम इंजेक्शन ग्रेड नहीं यूज करते। हम इंजेक्शन ग्रेड मतलब इंजेक्शन ग्रेड को थोड़ा सा डिटेल में समझाइए। इंजेक्शन ग्रेड को जैसे इंजेक्शन लगाते हो ना, दैट इज लाइक इंजेक्शन होल्डिंग मशीन होती है जिसमें ये सब चीजें बनती है, तो इट्स लाइक इंजेक्शन होल्डिंग, तो वो इंजेक्शन ग्रेड यूज करते हैं, पर हम एक्सट्रूडेड ग्रेड यूज करते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको बड़ी मशीन लेनी पड़ती है, हैवी मशीन लेनी पड़ती है और प्रेशर बहुत चाहिए होता है उनको टालने के लिए, तो वो बहुत ही अनब्रेकेबल मटेरियल्स है, टूटता ही नहीं कभी। फिर उसके ऊपर एंटी स्क्रैच कोटिंग हुई है। अब कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोगों को सामने से लाइट पड़ रही है गाड़ी की, डिस्टॉर्शन हो रही है, तो हमारे में वाइजर्स पे एंटी स्क्रैच कोटिंग होती है, उससे वो लाइट जो है वो नहीं आपके सीधा सीधा आंखों पर आती, वो डिस्टॉर्शन नहीं करती, आपको क्लियर नजर आता। उसके बाद आपका उसके अंदर जो हेलमेट में थर्माकोल है, हमारा बहुत ही हाई डेंसिटी थर्माकोल होगा, थिक थर्माकोल होगा, तो जब इम्पैक्ट पड़ेगा तो वो थर्माकोल दबेगा और वापिस आएगा, सो दैट इज अ वेरी हाई क्वालिटी। देन देर इज अ चिन स्ट्रैप एंड बकल्स, तो बकल जो हम यूज करते हैं वो सारे यूरोपियन स्टैंडर्ड बकल्स यूज करते हैं, चिन स्ट्रैप भी सारे यूरोपियन स्टैंडर्ड यूज करते हैं। हमारी कंपनी पूरी हेलमेट इंडस्ट्री वर्ल्ड को कॉम्पोनेंट्स बना के देती है, वर्ल्ड में ऐसा कोई हेलमेट ब्रांड नहीं है जो हमारे कॉम्पोनेंट्स ना यूज करता हो। तो अगर आप वर्ल्ड में मेरे साथ एग्जीबिशन में चले जाएंगे हेलमेट की एग्जीबिशन में, तो वो बोलेंगे किंग ऑफ बक्कल हैज अराइव्ड, बक्कल का राजा आ गया। ये हम पहली बार सुन रहे हैं किंग बर्ड के बारे में, तो वो सारी दुनिया हमें किंग ऑफ बक्कल के नाम से जानती है। सर, एक छोटी सी कंपनी भी अगर हम खड़ी करते हैं तो बहुत सारे संघर्षों का हमें सामना करना पड़ता है, और आपने एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया हुआ है, तो आपने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, इसके बीच में कितने उतार चढ़ाव आपने देखे, कितना संघर्ष आपने किया है, उसके बारे में मैं जरूर जानना चाहूंगी। अगर आप मेरी जिंदगी के बारे में पूछोगे तो बहुत उतार चढ़ाव आए, इतने उतार चढ़ाव आए कि मैं बयान ही नहीं कर सकता। कितनी बार हम जीरो हुए और जीरो से फिर ऊपर आए, कितनी बार ऐसा हुआ। तो मुझे इस पे हमेशा अपने फादर की एक कहावत याद आती है कि बाधाओं की लंबी करतार को देखकर जिसका मन ना घबराए, बाधाओं को भी उसके पास आने में बाधा होती है। तो डैडी मुझे अक्सर सुनाया करते थे, मैं आपको जैसे बक्कल की बात बता रहा था, तो हम 1998 में साल का 10 लाख बक्कल बनाते थे और बीएफए को देते थे इटली में, और वो फैक्ट्री बहुत पैसे कमाते थे। और सन 2000 में जो ओनर था बीएफए का वो मर गया, डाइड हो गया, हमने बहुत पैसे लेने थे, इतनी फैक्ट्री थी, 200 आदमी काम करते थे, इतना माल था, मैं कहा ये क्या हो गया, और फैक्ट्री बंद, मैं कहा तो बहुत गड़बड़ हो गई। तो हमने 100 किलो सैंपल उठाए, मैंने अपने दोस्त को लिया, पूरा यूरोप एक एक हेलमेट की फैक्ट्री में गए, तो जो बक्कल वहां बनाने वाले थे, बेचने वाले थे, उनके पास भी गए, तो सबने निकाल दिया बाहर, नहीं नहीं इंडिया सेफ्टी प्रोडक्ट नहीं बना सकता, तो सबने बाहर निकाल देते थे, जहां भी जाते थे दरवाजे पे खटकाते थे, बगैर अपॉइंटमेंट के चले जाते थे, क्या करना, सब बाहर निकाल देते थे। तो फिर तो एक दोस्त के घर में रहते थे इटली में, मैं सुबह उठ के चाय बनाता था, नाश्ता बनाता था, मेरा दोस्त कपड़े प्रेस करता था, बस में धक्के खाते थे, पैदल चल चल के जाते थे, क्योंकि पैसे नहीं होते थे, पैसे बचाने होते थे, एक कॉफी भी पीने के लिए सोचते थे कि यार पैसे ना खर्चे तो अच्छा है। तो बहुत धक्के खाए, तो एक कंपनी में पहुंचे, सुबह 9 बजे पहुंचे, उसने शाम को 6 बजे बुलाया, हम 9 बजे से लेकर 6 बजे तक रिसेप्शन में बैठे थे, पर जब अंदर गए तो उसने कहा चलो मैं तुम्हें जानता हूं, मैं कहा शुक्र है कोई तो हमें जानता है, तो कह रहा मैं तुमसे बक्कल लेने को तैयार हूं, प्राइस हमने प्राइस दिया, उसने कहा 5 लाख पीसेज ऑर्डर, लेकिन मुझे ये नहीं अपने तरीके का चाहिए। हमने फटाफट बनाया, 21 दिन में मोड्स बनाए, सब कुछ किया, और उसके बाद हम किंग ऑफ बक्कल हो गए। ये तो एक कहावत है। तो सन 2000 में मैंने एक एग्रीमेंट किया नावास के साथ, GP1 में इटली में सप्लाई एग्रीमेंट के, मैं यूरोप में 7 लाख हेलमेट एक्सपोर्ट करूं। 2 साल लग के हमने एक्सपोर्ट वाली फैक्ट्री बनाई, उस जमाने में मैंने 23 करोड़ रुपए का लोन लिया, आज के 250 करोड़ हो गए आप समझ लो, उस जमाने में जिस दिन पहला हेलमेट एक्सपोर्ट किया उस दिन हेलमेट फैक्ट्री में आग लग गई। तो इंश्योरेंस भी एडुकेट नहीं थी, हमें पता ही नहीं था कि इंश्योरेंस रीइंस्टेटमेंट पे होनी चाहिए, वो इंश्योरेंस डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे थी। 33 गाड़ियां आई फायर ब्रिगेड की, सब कुछ खत्म हो गया, मैं कह रहा मेरे को तो काम ही नहीं करता।
कहने कहने काम तो जरूर करना है, वो डटे रहे एकदम। हाँ, क्योंकि दादाजी कहते हैं कि कभी खाली मत बैठो, खाली हो तो अपने कपड़े फाड़ के सिलो पर खाली मत बैठो, करे काम तो जरूर करता है। तो फैक्ट्री बेचते भी तो 6 करोड़ में मिलते, कोई खास मिलते भी नहीं। तो जी मैं गया बैंक, मैं कहा 1.5 करोड़ और चाहिए, उन्होंने 1.5 करोड़ और सेंक्शन कर दिया। हमने दोबारा काम शुरू किया और बहुत बहुत काम बढ़ा हमारा, बहुत हेलमेट एक्सपोर्ट किया हमने। 2004 में हम 6000 हेलमेट रोज बनाते थे। फिर हमने बद्दी का प्लांट दिया, फैक्ट्री का 5.5 एकड़ का प्लांट दिया, क्योंकि हमारा टाई अप था कि हम अब एक्सपोर्ट की फैक्ट्री ऐसे बनेगी, वो भी किया। 2005 में जिसके साथ काम करते थे वो बैंकक्रप्ट हो गया। मैंने कहा जी मेरे तो हेलमेट का काम ही नहीं करना, मैं कहा डैड सब कुछ बेचो, मुझे करना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि पता आप सन 2000 से लगे हुए हो, है ना, आपने इतना लोन ले लिया, आपने जब पहला हेलमेट एक्सपोर्ट करा तो फैक्ट्री में आग लग गई, फिर जितना इतना काम और बढ़ाया और फैक्ट्री बड़ी ले ली तो वो कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई। मैं कहा जी सब कुछ बेचो, कर्जा उतारो, मैं एक ये बक्कल का काम है छोटा सा, मैं यही करूंगा, मैं और कुछ नहीं करूंगा। आप बिलीव नहीं करोगे, जहां मैंने ऑफिस लिया आप उस ऑफिस में नहीं आ सकते थे, ऐसी जगह मैंने ऑफिस दिया, साथ में इतने डब्बे पड़े होते थे मैं वहां बैठा रहता था, जनरेटर तक के पैसे नहीं होते थे, नोएडा में फैक्ट्री छोटी सी 600 गज की बक्कल वहां बनाएंगे, घर आता तो पेट्रोल के पैसे नहीं होते थे। अब मेरे पास क्रेडिट कार्ड होता था तो दोस्तों को कहता था कि यार मेरा क्रेडिट कार्ड यूज कर लो तो मेरे को 1.5 महीने के लिए पैसे मिल जाएंगे कैश। मतलब मैंने वो दिन नहीं देखे, लेकिन हमने जिंदगी में कभी कुछ गलत नहीं किया, कभी किसी के पैसे नहीं मारे, कभी किसी का गलत नहीं किया, है ना, आज तक कोई 2 नंबर का काम नहीं किया। ये मिसाल है हमारी कंपनी की। क्योंकि जब मैं स्टिकर इंपोर्ट करता था तो एक स्टिकर पे 350 रुपए ड्यूटी होती थी, मैं चाहता तो 2 रुपए का भी इंपोर्ट कर सकता था, लेकिन हम कभी गलत काम करते नहीं थे, आपको पूरी ड्यूटी पे करते थे हमेशा, कभी हमने जिंदगी में नहीं गलत काम किया। जितने लड़के रखे ऑलवेज बुक पे रखते थे, ESIPF सब कुछ हर चीज एज पर रूल। तो मैं ये कह सकता हूं कि जैसे टाटा का नाम है कि वो एक बहुत ही लॉयल कंपनी है, वैसे स्टीलबर्ड का भी नाम है, पूरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, कस्टम्स में, इंपोर्ट में, कहीं भी जाएंगे कि स्टीलबर्ड ऐसी ही कंपनी है, स्टीलबर्ड के ऊपर भी कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो मैं कहा जी अब तो छोटी सी फैक्ट्री ले ली, तो वहां से उस बक्कल के बिजनेस को हम ले गए जी लगभग आप समझ लो 4-5 साल में 8 गुना। और बहुत फिर पैसे कमाए, बहुत काम किया मैं, इतना ब्राजील, इटली, चाइना, हर जगह एक्सपोर्ट करता था। ऐसी कोई कंट्री नहीं थी जहां पर हेलमेट के हम स्पेयर पार्ट्स एक्सपोर्ट नहीं करते थे। तो वी बिकम अ किंग ऑफ बक्कल। फिर मैं 2012 में दोबारा हेलमेट देखने आया। अगर आप 2005 से 2007 देखोगे तो स्टील बट बहुत थोड़ा रह गया था इंडिया मार्केट में। मैं 2012 में दोबारा हेलमेट में आया। तब हम 2012 में 6000 पीस ही महीने का बनाते थे, इससे ज्यादा नहीं बनाते थे, इतनी बड़ी फैक्ट्री होती थी, क्योंकि मैं वो ध्यान ही नहीं देता था। आज हम 12000 पीस रोज बनाते हैं। तो ये सारी जर्नी है लाइफ में जो इतने उतार चढ़ाव आए, और कभी हार नहीं मानी, कभी हारे नहीं जिंदगी में। नहीं, पर ऊपर वाले की देखो जी कृपा तो ऊपर वाले की है, ऊपर वाले का साथ है। जब पैसे नहीं होते थे जेब में तब भी कर्जा लेके डोनेशन तब भी देते थे। बाकी सर एक इतनी बड़ी टीम आज आपके साथ है, इतनी बड़ी टीम आपने कैसे खड़ी की, एक इतना बड़ा एम्पायर आपके साथ है, इतने सारे प्लांट्स हैं आपके, वो कैसे खड़े किए आपने? सही बात यह है कि हमारे पास जितने भी लोग हैं बहुत पुराने, तो मैं ये कहूंगा अपनी टीम के बारे में कि कहावत है ना, जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे उसे छोड़ के भागते हैं। बिल्कुल। तो जब मैं डूब ही गया था तो मेरे को कोई छोड़ के गया नहीं, जो चूहे थे वो तो खैर चले गए, बाकी मेरी टीम मुझे छोड़ के नहीं गई। जो लोग आज मेरे साथ है वो कई सालों से मेरे साथ है, उन्होंने मेरे साथ सारे एक्सपीरियंस लिए हैं, उतार चढ़ाव देखे हैं, है ना, वो सारी टीम हर प्लांट में जो भी लोग हैं बहुत लॉयल हैं, बहुत पुराने हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने अपने हाथों से डाइयां बनाई है तो उन्होंने मेरे को बनाते देखा, उन्होंने खुद भी बनाई है। हमने दिन भर रात 24-24 घंटे काम किया है, 72-72 घंटे हम घर नहीं गए, तो वो सारी टीम वही है। तो आज वही सारी टीम मेरे साथ है, 1-2 और। टीम बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है, पर ये ऊपर वाले का शुक्र है कि स्टीलबर्ड को जो भी ज्वाइन करता है कभी छोड़ के नहीं जाता। आज आपकी अच्छाई हो सकती है ऊपर वाले के शुक्र के साथ। नहीं वो भी है जी, प्लस यहाँ हमारे यहाँ बहुत फैमिली एटमोसफेयर है। मतलब हम सिर्फ ये कमर्शियल प्रोफेशनलिज्म नहीं है, फैमिली एटमोसफेयर। अगर मतलब डैडी भी बहुत काइंड है, मैं भी बहुत काइंड हूँ। अब उस दिन डैडी फैक्ट्री गए तो किसी की आंख में साइनोक्रेडिट डल गया, तो डैडी ने उससे इलाज कराया जो उनका आंखों का डॉक्टर है, वो प्राइम मिनिस्टर का भी डॉक्टर है। तो हमारे यहाँ क्या है कि बहुत पारदर्शिता है, कोई भी मुझे फोन कर सकता है, कोई वर्कर भी मेरे को फोन कर सकता है।
तो बहुत ओपन है, इट्स लाइक अ फैमिली। हम सब इकट्ठे घूमने जाते हैं, पूरी फैमिली इकट्ठे जाती है, पूरा स्टाफ इकट्ठा जाता है। okay. इसीलिए वो आज तक एक टीम में बंधे हुए हैं। बिल्कुल आप यही कह सकते हो, क्योंकि हम सिर्फ उनका नहीं उनकी फैमिली का भी ख्याल रखते हैं। सर एक्चुअली आप तो पूरे हिंदुस्तान का ख्याल रखते हैं, पूरे हिंदुस्तान की आप जान बचाते हैं अपने हेलमेट्स के थ्रू, तो हमारे जो दर्शक हैं उन लोगों को आप कोई सेफ्टी टिप्स देना चाहेंगे कि सड़क पर जाने से पहले हेलमेट तो पहने, ये सबको वो पता है, उन्हें भी पता है कि पहनना है, लेकिन वो इग्नोर कर देते हैं, बहुत आम चीज समझ कर, अरे छोड़ो कोई बात नहीं, यहीं थोड़ी दूर तक तो जाना है, छोड़िए, छोड़ देते हैं। नहीं नहीं आप सही कह रहे हो, है ना, तो मेरे ख्याल से हमने लाखों जाने बचाई होंगी, कई करोड़ हमने हेलमेट बनाए और बेचे। मैं इस पर भी आपको एक बात बताता हूं, बड़ी छोटी सी बात है, जब मैं छोटा था, जब बिजनेस में आया तो नकली हेलमेट बनाने वाले बहुत थे, आज भी बहुत है, बहुत है नकली आई से बनाने वाले, तो हेलमेट के कंपल्सरी होता, हमारा हेलमेट बिकता नहीं था, उनके ट्रक के ट्रक, जब मैं कहता था हमारा हेलमेट बिकता नहीं है, इतना महंगा पड़ता है, ये सब नकली आई से बनाते रहते बेचते रहते हैं, तो हम भी मिक्सिंग करके बना देते हैं। मैं छोटा सा था तो थॉट भी वैसे होती है ना, बच्चों को होता है कुछ करके दिखाना, तो उन्होंने कहा राजू ऐसा कर हेलमेट बनाना बंद कर दे। मैं कहा मतलब? कह रहे जब इंसानों को समझ आ जाएगी कि अच्छा माल लेना है तब बनाना शुरू कर दियो, लोगों की जान से क्यों खेलना है। तो जब आपको जीवन दान देने का हक नहीं है तो जीवन लेने का भी आपको हक नहीं है। तो हमारी कंपनी का एक ही मकसद होता है कि हमारा हेलमेट पहन के कोई मरना नहीं चाहिए, ये हमारी कंपनी का मकसद है। हम इसलिए कभी नॉन आईएसई हेलमेट बनाया ही नहीं हमने, ना बनाते ना हमारे सारे आईएसई मार्क हेलमेट और आपको अबव स्टैंडर्ड ही मिलेंगे हमारे सारे हेलमेट। बाकी लोगों में बहुत जागरूकता आ रही है, लोग ब्रांड की तरफ जा रहे हैं, अच्छी क्वालिटी की तरफ जा रहे हैं, गवर्नमेंट भी बहुत मेहनत कर रही है कि हाँ भाई सबको हेलमेट पहनना चाहिए, सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है, पर इंपॉर्टेंट भी बहुत है। मैं जब भी स्कूटर चलाता था, मोटरसाइकिल चलाता था, बगैर हेलमेट मैंने कभी नहीं चलाया, बट उसके पीछे बहुत रीजन है, क्योंकि आप देखो जिस फैमिली का करता धरता कमाने वाला इंसान टू व्हीलर एक्सीडेंट में मर जाता है बगैर हेलमेट के, उस फैमिली का क्या हाल होता है। अभी मेरी बेटी 18 साल की, स्कूल में उसका फ्रेंड है, वो स्कूटी चला रहा था, उसने हेलमेट पहना था, वो मर गया बच्चा। अब आप सोचो उन पेरेंट्स का क्या हाल होगा, सिर्फ हेलमेट की वजह से। सिर्फ हेलमेट की वजह से, तो हेलमेट आपको जरूर पहनना चाहिए, वो भी असली आईएसआई मार्क हेलमेट पहनना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। सर नई सरकार को लेकर, अभी जो मोदी गवर्नमेंट बनी है उसको लेकर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? ऐसा जी, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना। और अगर आप सेफ्टी के लिए बात करें, रोड सेफ्टी की बात करें, तो मिनिस्ट्री बहुत काम कर रही है रोड सेफ्टी पे। मिनिस्ट्री ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि नॉन आईएसआई हेलमेट बनाना, स्टॉक करना, बेचना कानूनी जुर्म होगा, उसके ऊपर जेल होगी, है ना, जुर्माने लगेंगे, तो ये कभी भी गैजेट हो सकता है। उसके बाद क्या है कि हमारे यहाँ लाखों लोग मर रहे हैं, अगर आप WHO की रिपोर्ट देखेंगे तो 3 लाख लोग सालाना मर रहे हैं, पर रियल में शायद 10 लाख से ज्यादा मर रहे हैं रोड एक्सीडेंट में। तो सरकार का बहुत बड़ा बजट है जो इस पे लगा हुआ है, आप मानेंगे नहीं, 3% ऑफ GDP सरकार का रोड एक्सीडेंट के ऊपर खर्चा होता है। जो लोग मर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, उनका ब्रेन का इलाज हो रहा है, हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं कई कई महीने, इंश्योरेंस का लॉस हो रहा है, बहुत लॉस होता है सरकार को। तो सरकार का बहुत बड़ा मोटिव है कि वो लोगों की जान बचाए, और सरकार सिर्फ हेलमेट कंपलसरी करके, लॉ को एनफोर्स करके लोगों की जान बचा सकती है। तो मैं सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि वो एक तो नॉन एसी हेलमेट को जल्द से जल्द बैन करें, हेलमेट को कंपलसरी करें पूरे हिंदुस्तान में, और हेलमेट से GST को हटा दें। अभी GST जो है हेलमेट पे वो 18% है, अगर सरकार GST को हटा देती है तो वही आईएसआई मार्क हेलमेट कस्टमर को सस्ता मिलेगा। तो सरकार जो GDP पे इतना खर्चा कर रही है वो ना करके उसको यहां फायदा हो जाएगा, सरकार फिर भी फायदे में रहेगी, तो उसको चाहिए कि इसका GST हटा दे, ताकि आईएसआई मार्क हेलमेट, रियल आईएसआई मार्क हेलमेट कस्टमर को सस्ता मिले। और शायद GST की वजह से ही जो हेलमेट है उनकी कॉस्ट इतनी ज्यादा हो जाती है कि आम आदमी खरीदने से कतराता है, सोचता है कि रोड साइड हेलमेट ही ले लो, सर पे ही तो रखना है, कोई बात नहीं। ये सही बात है जी, ना ना करते भी आप मान लें कि एक हेलमेट के ऊपर कम से कम 100 रुपए का तो फर्क आएगा ही आएगा, 100 रुपए से लेके आप 300 रुपए तक का फर्क मान सकते हैं, एक हेलमेट पे जरूर आएगा। राजीव जी, अगर कल सरकार हेलमेट्स को पूरे इंडिया में मैंडेटरी कर देती है तो क्या मैन्युफैक्चर उसके लिए तैयार है? नहीं, अगर सरकार एकदम से पूरे हिंदुस्तान में हेलमेट को मैंडेटरी कर देती है
तो कोई भी हेलमेट सप्लाई नहीं हो पाएगा। और मैं हेलमेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूं और मैंने सरकार को ऑलरेडी ये चीज बताई है कि आपको फेस मैनर में हेलमेट को मैंडेटरी करना है। अगर आप यूपी ले लें तो वो पहले कानपुर, लखनऊ, वो भी इकट्ठा नहीं, एक एक स्टेट, एक एक मेट्रो सिटी, पहले वो टायर वन सिटी में अनाउंस करें, फिर टायर टू, फिर टायर थ्री, क्योंकि हेलमेट की डिमांड पूरी करने के लिए अभी हेलमेट इंडस्ट्री को 6000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदुस्तान में हेलमेट की डिमांड बहुत बड़ी होने जा रही है। क्योंकि जब सरकार मैंडेटरी कर देगी हेलमेट, तो हेलमेट की डिमांड कम से कम 100 मिलियन हेलमेट की डिमांड होगी, यानी कि आपको 10 करोड़ हेलमेट हर साल चाहिए होगा। और अगर सरकार आज भी फेज मैनर में हेलमेट को मैंडेटरी करेगी तो कम से कम सरकार को 5 साल लग जाएंगे सबके सरों पे हेलमेट पहनाने के लिए। तो हसूलन तो सरकार को आज से ही सोचना चाहिए, वो सोच रही है, ऐसा नहीं है। मोटर व्हीकल एक्ट में उन्होंने लिखा हुआ है कि हर टू व्हीलर कंपनी को हेलमेट सप्लाई करना है मोटरसाइकिल के साथ। और अब जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, केरला ने इम्प्लीमेंट कर दिया है, तमिलनाडु ने इम्प्लीमेंट कर दिया है कि आपको मोटरसाइकिल के साथ हेलमेट देना ही देना है। तो वहां सब शोरूम्स वाले मोटरसाइकिल के साथ हेलमेट दे रहे हैं, सब OEMs कंपनी हेलमेट दे रही है। और रूल अभी है नो हेलमेट नो फ्यूल। हाँ, ये देखो, ये बहुत बहुत स्टेटों में हुआ पर ये कभी सक्सेस नहीं हुआ। उसके बहुत सारे कारण है। जब आप ऐसा रूल इम्प्लीमेंट करते हो, जो पेट्रोल डलवाने आता है वो पेट्रोल पंप वाले से लड़ाई करना शुरू कर देता है। तो पेट्रोल पंप वाला कहता है 5 हेलमेट साइड पर रख देता है, भैया वो पहन के आ जाओ क्योंकि कैमरा लगा है तो है ना, तो मैं तेरे को पेट्रोल दे दूंगा। तो वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं होता। इम्प्लीमेंट तो जी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ही करेंगे, जैसे तमिलनाडु कमिश्नर ने बहुत अच्छा किया है, केरला कमिश्नर ने बहुत अच्छा किया है, तो वही ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अपनी अपनी स्टेट में वो मैंडेटरी करते जाएंगे तो पूरे हिंदुस्तान में हेलमेट आ जाएगा। जब हेलमेट होगा तो सरकार जब हेलमेट का लॉ इन्फोर्स करेगी तो वो इन्फोर्स भी कर पाएगी, कोई शॉर्टेज नहीं होगी, कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं होगी, सबको असली ISA मार्क हेलमेट मिलेंगे। तो सरकार इसके ऊपर बहुत प्रयास कर रही है और वो कुछ दिनों में हो सकता है इम्प्लीमेंट भी हो जाए। नहीं, हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट कमेटी का बहुत प्रेशर है, मतलब सुप्रीम कोर्ट सरकार ने रोड सेफ्टी की सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट कमेटी का बहुत प्रेशर है सारे डिपार्टमेंट्स पे, सारी मिनिस्ट्रीज पे, कि ये आपको लोगों की जाने बचानी है, जो इतने लाखों लोग मर रहे हैं आपने उनकी जाने बचानी है। तो मेरा उम्मीद है अब मोदी सरकार आई है और हम अपने हिंदुस्तानियों की जान बचाएंगे। तो सर, आपने बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे हिंदुस्तानी लोगों की सरों की हिफाजत की है, उसके लिए पूरे भारत की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल हिंदी खबर से जुड़ने के लिए। थैंक यू जी, नमस्कार।